नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे लोग अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। सामने वाला व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करेगा या नहीं करेगा, यदि वो छात्र है तो अच्छा पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, यदि वो कोई बच्चा अपना करियर बनाना चाहता है, जॉब में एंट्री ले रहा है या बिजनेस में एंट्री ले रहा है, तो वो अच्छा तरक्की कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अच्छा कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा। एक स्टूडेंट है तो वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस बात की जानकारी आप हस्तरेखा से कैसे लेंगे? इस टॉपिक पर आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। मेरे मित्रों, ये जानकारी लेने के बाद सामने वाले की जो भी दशा चल रही, जिस ग्रह की भी दशा चल रही है, उस ग्रह की जो दशा चल रही है, उस ग्रह की शांति करके, उस ग्रह को अच्छा करने के लिए कुछ उपाय करके आप उसके भाग्य को अच्छा कर सकते हैं। फर्ज करिए किसी व्यक्ति के ऊपर राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा 18 साल की होती है। आप राहु को मात्र अच्छा कर लीजिए, सामने वाले का वर्तमान अच्छा हो जाएगा। शुक्र की दशा 20 वर्ष की होती है। या कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, या कोई युवक है और उसके ऊपर शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र की दशा 20 वर्ष की होती है और यदि उसका समय अच्छा नहीं है, शुक्र की दशा अच्छी नहीं है, आप शुक्र से संबंधित उपाय करके उसके जीवन को अच्छा कर सकते हैं, उसके वर्तमान को अच्छा कर सकते हैं, उसके करियर को अच्छा कर सकते हैं। यदि कोई लड़का है या लड़की है और यदि उसका समय खराब चल रहा है और मान लीजिए उसके ऊपर सूर्य की दशा चल रही है या चंद्रमा की दशा चल रही है, तो आप उसके सूर्य को अच्छा कर लीजिए, उसके चंद्रमा को अच्छा कर लीजिए, तो उसका समय अच्छा हो जाएगा। लेकिन हस्तरेखा से अपन ये जरूर जान सकते हैं कि सामने वाले का समय अच्छा नहीं है, जिसके चलते उसके पढ़ाई में अच्छा पढ़ पाने का नहीं है, अच्छा पैसा कमा पाने का नहीं है, अच्छा विवाह हो पाने का नहीं है। तो इसको हम पहले हस्तरेखा से हमको समझना पड़ेगा। हस्तरेखा से समझने के बाद उस ग्रह से संबंधित उपाय करके आप उसके वर्तमान को अच्छा कर सकते हैं। कभी मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि इस ग्रह की दशा को अच्छा करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इस पर अपन अवश्य चर्चा करेंगे फिर कभी नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि हम जो कैसे लोग अपने जीवन में अच्छा नहीं उन्नति नहीं कर पाते, उनके लक्षण कैसे होते हैं, उनकी हस्तरेखा कैसी होती है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे मित्रों, ये व्यक्ति का हाथ चित्र है, फिगर है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग जिनका केतु पर्वत दबा होता है, केतु पर्वत कहाँ पर होता है, ये मणिवन के पास होता है। यदि यहाँ पर केतु पर्वत दबा हुआ हो तो ऐसे लोगों का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, उनको माता पिता का सुख ऐसे नहीं मिल पाता, बचपन में बीमार रहते हैं, अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनकी संगत अच्छी नहीं होती है, अच्छे स्कूल में उनको दाखिला नहीं मिल पाता है, कई तरह की तकलीफें आती हैं, पेट संबंधी तकलीफ रहती है, इसका चलते भी वो बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कई तरह की तकलीफ आती है। यदि केतु पर्वत दबा हो तो, यानी मणिबंध का स्थान दबा हो तो यह मणिबंध का स्थान ये है। सबसे पहले तो अपने को ये जानना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति की का भाग्य हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मणिबंध दबा तो नहीं है, केतु पर्वत दबा तो नहीं है, इसकी हमको पहली स्टडी करनी पड़ेगी। मेरे मित्रों, यदि आप किसी छात्र के बारे में ये जानना चाहते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका सूर्य पर्वत कैसा है। यदि सूर्य पर्वत उठा हुआ है, सूर्य पर्वत पर रेखा अच्छी है, ये सूर्य पर्वत है, ये सूर्य पर्वत पर रेखा अच्छी है, सूर्य पर्वत उठा हुआ है, आप निश्चित रूप से मानिए कि उस वो बालक अच्छा पढ़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ मस्तिष्क रेखा का अच्छा होना भी जरूरी है। मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति है, युवक है या कोई छात्र बोलिए, और उसकी मस्तिष्क रेखा यदि मात्र शनि पर्वत के नीचे यहाँ तक पर आकर के रुक गई है, तो ऐसी ये मान करके चलिए कि ऐसे लोग अपनी जिंदगी में न तरक्की अच्छा कर सकते हैं, न अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। और
यदि किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत के नीचे आकर के रुक जाए तो ऐसे लोगों की लाइफ 35 साल से ज्यादा तो होती ही नहीं है। चलिए अपन आयु की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये इतना तो कह ही सकते हैं कि ऐसे लोग आ, 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 कोई भी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं कर पाते हैं, किसी भी क्षेत्र में अच्छी सफलता नहीं ले पाते हैं। उनके जीवन में एक जो उत्साह होना चाहिए, एक टारगेट जो होना चाहिए कि मुझे किस क्षेत्र में बढ़ना है, क्या बनना है, वो टारगेट उनके पास नहीं होता। कि जो कि मस्तिष्क रेखा ऑलरेडी अधूरी रहती है। मेरे मित्रों, इसी तरह जिनकी हथेली बिल्कुल पतली रहती है, वजनदार हथेली नहीं रहती, ऐसे लोग भी अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं, बहुत अच्छी तरक्की नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन में उत्साह का अभाव होता है। इसी तरह मैं आपसे आगे कैसे लोग तरक्की नहीं कर पाते इस पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जिन लोगों की उंगलियों में 4, 6 या 8 चक्र होते हैं, ऐसे लोग भी अपनी जिंदगी में अच्छा धनी नहीं हो पाते, अच्छा पैसा नहीं कमा पाते। इनकी लाइफ में एक जो उत्साह होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक जीवन को अच्छा बनाने के प्रति एक ललक होनी चाहिए, वो नहीं रहती है। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि माउंट अच्छे उठे होने चाहिए। ये जो बुध पर्वत है, सूर्य पर्वत है, शनि पर्वत है, गुरु पर्वत है, इनका इनमें उभार होना, उठा होना भी बहुत जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में सारे माउंट दबे हों तो व्यक्ति में कोई उत्साह नहीं रहेगा। वो दबे स्वर में बात करेगा, दबी आवाज में बात करेगा, लुंज पुंज जैसा व्यक्तित्व रहेगा। उसका अपना कोई इंटेंशन, कोई टारगेट लाइफ के प्रति आपको नहीं मिलेगा। जो खाने को मिल गया तो खा लिए, नहीं खाने को मिला तो नहीं खाए। ऐसे लोगों का जो जीवन है वो खाने और सोने तक ही सीमित रहता है, खाली खाते हैं, खाली सोते हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसा तब होता है जब सारे पर्वत दबे हुए हों। इसलिए पर्वतों का उठा होना निहायत जरूरी है। मेरे मित्रों, आप कभी कभी देखेंगे कि आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे व्यापार कर रहे हैं, जिनका किराने की दुकान है या कपड़े की दुकान है या मेडिकल स्टोर्स है। व्यवसाय तो अच्छा है लेकिन जिंदगी अच्छी नहीं है। व्यवसाय तो अच्छा है लेकिन पैसा अच्छा नहीं है। व्यवसाय तो अच्छा है लेकिन जिंदगी में चमक अच्छी नहीं है। तो आप देखेंगे कि उनके हाथ में सनलाइन भी अच्छी है, मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है, जीवन रेखा भी अच्छी है, माउंट भी अच्छे उठे हुए हैं, हाथ भी पतला नहीं है, लेकिन वो कौन सी लाइन है जो इनको तरक्की नहीं देती? तो आप ये देखेंगे कि भाग्य रेखा भी अच्छी है लेकिन भाग्य रेखा सिमिलर होती है। सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एक भाग्य रेखा ऐसी इस तरह से निकली हुई है और उसके साथ साथ ऐसी रेखा चलती है, या कहना चाहिए कोई ऐसी एक आइलैंड बना रहता है भाग्य रेखा में, द्वीप बना रहता है। या ठीक जीवन रेखा से तो बहुत नजदीक से एक समानांतर एक रेखा चलती है। ऐसे लोग भी कर्ज में डूबे रहते हैं और वो कर्ज पटा भी नहीं पाते हैं। उसके चलते भी उनके लाइफ में कोई अच्छा प्रोग्रेस नहीं आ पाता है। मेरे मित्रों, इसी तरह ये जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा के पास कोई रेखा इस टाइप की होना भी बहुत जरूरी है। इस तरह की ये रेखा यदि हो तभी जीवन में तरक्की आती है। लेकिन बहुतों के हाथ में इस तरह की जो रेखा रहती तो है लेकिन वो रेखा ये यहां तक ही आती है,
जीवन रेखा को छूती नहीं है। अगर जीवन रेखा को आड़ी रेखा आकर यहाँ जीवन रेखा को छू रही हो तो भी इनके इनका आर्थिक स्तर अच्छा होता है। ये ऐसे लोग भी मिलते हैं जो जो जीवन में तरक्की नहीं कर पाते, उनकी ये आड़ी रेखा जो अंगूठे के पास से आ रही है वो लाइफ लाइन को छूती नहीं है। मतलब मेरे कहने का आशय है ऐसी लाइन को लाइफ लाइन को छूना, आड़ी रेखा को जो जो आ रही है उसको लाइफ लाइन के पास आना, लाइफ लाइन को छूना भी बहुत जरूरी है। इसी तरह मेरे मित्रों आप देखेंगे सामान्यतया बहुतों के हाथ में जीवन रेखा रहती है, मस्तिष्क रेखा रहती है, हृदय रेखा रहती है, लेकिन वो उसमें कोई फोर्क नहीं रहता। फोर्क का मतलब क्या हुआ? फोर्क का मतलब यह हुआ कि जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से मस्तिष्क रेखा है लेकिन यहाँ पर फोर्क नहीं है, यहाँ पर हृदय रेखा यहाँ तक तो निकली हुई है, ये मान लीजिए यहाँ तक हृदय रेखा है लेकिन यहाँ पर भी कोई फोर्क नहीं है, तो भी उनके जीवन में उनका जीवन सूना सूना सा रहता है, उदास उदास सी जिंदगी जीते हैं। फिर भले आप ये कहिए कि बहुत अच्छी कमाई नहीं है इसलिए उदासी उदासी बनी रहती है, लेकिन ऐसे लोग उदास उदास से रहते हैं, उनके जीवन में एक खालीपन बहुत महसूस करते हैं। तो मेरे कहने का आशय है कि जीवन रेखा का, हृदय रेखा का कहीं ना कहीं फोर्क होना भी जरूरी रहता है। इस तरह मेरे मित्रों यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जो जो मैंने निशान बताया यदि वो है तो आप भी मानिए कि व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा, उन्नति अच्छी नहीं कर पाएगा, अच्छा पैसा कमा नहीं पाएगा। अब आप इतना जानने के बाद आप उसकी कुंडली के आधार पर ये ज्ञात करिए कि उसके ऊपर कौन सी दशा चल रही है। तो जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह की शांति करके, उस ग्रह का रत्न धारण करके, उस ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप करके, उस ग्रह से संबंधित स्तोत्र पाठ करके, उस ग्रह से संबंधित औषधि स्नान करके आप उसके भाग्य को अच्छा कर सकते हैं, उसके जीवन में चमक ला सकते हैं। यदि वो छात्र है तो उसकी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं, यदि वो व्यवसायी है तो उसके बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं, यदि ये कोई अपने जॉब को लेकर के परेशान है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो उसके जॉब को जॉब अच्छा मिल जाए, इस दिशा में उस ग्रह की शांति करके आप उसके जॉब से लग जाए, इस दिशा में आप प्रयास कर सकते हैं। यदि कोई लड़की है और उसका विवाह नहीं हो रहा है तो आप ये देखिए कि कौन से ग्रह की दशा चल रही है और उस ग्रह की शांति करके आप उसका विवाह जल्दी से जल्दी लगा सकते हैं। मेरे मित्रों इस तरह आप किसी व्यक्ति का भविष्य जान करके उसके भाग्य को अच्छा कर सकते हैं। नमस्कार।